तो नमस्कार दोस्तों, जन समर्थ। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न योजनाओं के लिए जल्द ही कॉमन पोर्टल जन समर्थ लॉन्च करेगी केंद्र सरकार। लोगों को होंगे ये फायदे। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या फायदा आपको होने वाला है जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से, पूरी डिटेल में जानकारी आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से दूंगा। जैसे ही सरकार की ओर से इसको लॉन्च किया जाएगा, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना करके ऊपर आई बटन वह वीडियो आपको मिल जाएगी। किस तरीके से आपको इसका यूज करना है वह भी जानकारी आपको दे दूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर ऊपर आल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि घर बैठे आने वाले समय में जो भी कोई नई सरकार की योजना आती है उसकी जानकारी घर बैठे आपको मिल जाए। साथ ही घंटी के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर लीजिए, और वीडियो जरा भी आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़कर आप हमेशा भारत सरकार राज्य सरकार की तमाम योजनाएं घर बैठे अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लिए एक कॉमन पोर्टल जन समर्थ शुरू करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस कॉमन पोर्टल से आम लोगों के जीवन को आसान किया जा सकेगा। सूत्रों में कहा गया कि नरेंद्र मोदी जी सरकार के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के तहत काम कर रही है इस पोर्टल के माध्यम से। पोर्टल पर शुरुआत में सरकार की क्रेडिट से जुड़ी 15 योजनाओं को शामिल किया जाएगा। इस पोर्टल का धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा, और यह विस्तार पोर्टल के काम करने के आधार पर होगा, क्योंकि केंद्र सरकार स्पॉन्डर कुछ स्कीम में कई एजेंसियां शामिल रहती हैं, तो इसलिए इसका धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 कम से कम शुरू में जो है 15 योजनाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, और धीरे धीरे करके और भी योजनाएं इसमें शामिल होती रहेंगी। इससे फायदा ये होगा कि जैसे कि आप लोन लेते हैं किसी बैंक से, और उस लोन जो भारत सरकार की स्कीम है लोन वाली, उस स्कीम के माध्यम से आप लोन लेते हैं, तो आपको पहले क्या होता था कि बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, कई प्रकार के सबूत देने पड़ते थे, बड़े डॉक्यूमेंट देने पड़ते थे। लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से जैसे ये योजना शुरू हो जाएगी और आप भारत सरकार की योजना लाभ लेंगे, किसी लोन लेना चाहोगे, तो ऑनलाइन ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो जाएंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा, और मिनटों सेकंडों में या और आपको वह लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इस पर टेस्टिंग चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना और लोन से जुड़ी पूंजी सब्सिडी योजना अलग अलग मंत्रालयों के तहत आती हैं। सूत्रों ने कहा है कि प्रस्तावित पोर्टल का उद्देश्य इन योजनाओं को एकल प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे लाभार्थियों को इन योजनाओं के तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि इस पोर्टल की पायलट टेस्टिंग चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पोर्टल के माध्यम से सभी योजनाएं आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। इसमें राज्य सरकार की योजनाएं भी हो सकती हैं और भारत सरकार की योजनाएं भी हो सकती हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल से आपको सारी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा। पोर्टल की पायलट टेस्टिंग चल रही है। पोर्टल में जो भी कमियां उन्हें दूर किया जा रहा है। इसके बाद इस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक और दूसरे ऋणदाता इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। सूत्रों में बताया गया है कि इस पोर्टल का ढांचा खुला होगा। राज्य सरकारें और दूसरी संस्थान भी भविष्य में इस पर अपनी योजनाएं डाल सकेंगी। तो बहुत ही अच्छा पोर्टल होने वाला है। जैसे ही सरकार की ओर से इसको लॉन्च किया जाता है, तुरंत उसकी वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा, और ऊपर आई बटन में वह वीडियो आपको मिल जाएगी। आपको इसके बारे में सारी की सारी जानकारी दूंगा, किस तरीके से आप इसको चलाओगे, किस तरीके से आप लॉगिन करोगे, किस तरीके से इस योजना का लाभ लोगे। 2018 में ही एक ऐसा पोर्टल शुरू किया गया था, जिसमें सरकार की ओर से जो है विभिन्न प्रकार के लोन दिए जाते थे, जैसे कि पर्सनल लोन, सूक्ष्म लघु और विभिन्न प्रकार के लोन दिया जाते हैं। आवास योजना के माध्यम से भी जो है इसमें लोन दिया जाता था, और वह लोन सरकारी बैंकों द्वारा मात्र 59 मिनट में उस लोन की मंजूरी इस पोर्टल के माध्यम से दे दी जाती थी। वहीं जब यह पोर्टल नहीं था तो उस लोन को अप्रूव्ड होने में 20 से 25 दिन का समय लगता था। सैद्धांतिक मंजूरी के बाद लोन का वितरण 7-8 कार्य दिवस में किया जाता है। तो इस पोर्टल के माध्यम यह पोर्टल जो 2018 में शुरू किया गया था, उसके माध्यम से जो है आपका 59 बहुत ही मतलब मिनटों से घंटों में आपके काम हो जाते थे, जो कि 20-25 दिनों में होते थे, वह पोर्टल के माध्यम से 20 से 60 मिनट के अंदर वह काम हो जाते थे। तो बहुत ही अच्छा पोर्टल सरकार लाने वाली है। देखिए, इंटीग्रेट किया गया है। इस पोर्टल की शुरुआत दो माह में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सूक्ष्म लघु एवं मंझले उपक्रमों के 37,412 करोड़ रुपए के ऋण में 1.12 लाख ऋण आवेदकों को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। तो ये पोर्टल 2018 में शुरू किया गया था, बहुत ही अच्छा रहा। इसी को देखते हुए सरकार एक नया पोर्टल अपना ला रही है, जिसके माध्यम से सभी योजनाएं आपको उस पोर्टल में मिल जाएंगी, और मिनटों सेकंडों में आपके सारे काम हो जाएंगे। किसी भी सरकारी जो ऑफिस है उसके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सारे की सारी जानकारी, सारी योजना की जानकारी यहीं से मिल जाएगी, और सारी योजना का लाभ आप इसी पोर्टल के माध्यम से ले पाओगे। तो दोस्तों, जैसे ही भारत सरकार इस पोर्टल को लॉन्च करती है, तुरंत उसकी वीडियो घर बैठे आप तक पहुंच जाएगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि घर बैठे वह वीडियो आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा लें। और किस तरीके से इस पोर्टल का आप यूज करेंगे वह भी बताऊंगा। दोस्तों, और भी भारत सरकार की योजनाएं हैं जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, आप उनको भी देख लीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।